गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उसी कंटिन्यूएशन में जो हमने कल पढ़ा था, कल हमने पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था मेरिडियमिट्स के। आज हम पढ़ेंगे द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम एम्ब्रियोसैक। तो गायनोशियम, जैसा कि आपको पता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फ्लावर के गायनोशियम बोलते हैं। गायनोशियम अगर एक सिंगल पिस्टल एक फ्लावर में है, मतलब एक ही पिस्टल है एक फ्लावर में, वो कहलाएगा मोनोकार्पिलरी। अगर एक से ज्यादा पिस्टल है तो वो कहलाएगा मल्टीकार्पिलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल्स मे बी फ्यूज टुगेदर, सारी पिस्टल्स फ्यूज हो जाती हैं, तो वो कहलाता है सिनकार्पस। या अगर फ्यूज नहीं हो रहा है, अलग अलग पिस्टल्स आप देख पा रहे हो, तो वो कहलाती है कंडीशन एपोकार्पस। तो हमने दो कंडीशंस पढ़ी कि अगर उन फ्लावर्स में जिसमें पिस्टल एक से ज्यादा हैं और फ्यूज हो गई हैं, तो वो सिनकार्पस कंडीशन कहलाएगी। अगर पिस्टल्स एक से ज्यादा हैं और फ्यूज नहीं हुई, फ्री हैं, तो वो एपोकार्पस कहलाएगी। हर पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो है वो लॉन्ग पार्ट होता है, ये प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए, और जो इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है वो कहलाता है स्टाइल, और जो नीचे स्वेलन पोर्शन होता है ओवरी कहलाता है। और हर ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है जिसको लॉक्यूल बोलते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच होते हैं। इसमें मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। ये यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखोगे, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये स्वेलन पार्ट ओवरी है, और ये अटैच होता है थैलेमस से। ठीक है, इसमें स्टिग्मा का क्लियर व्यू दिखाई दे रहा है। अब जो ओव्यूल्स हैं, वो उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो कैसे दिखते हैं। जो प्लेसेंटा, एक्चुअली अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया, मतलब प्लेसेंटा से जो अराइज होगा वो मेगास्पोरेंजिया होगा। बहुत सारों को मेगास्पोरेंजिया और एक सिंगुलर को मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजिया को हम ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा से क्या रिलीज होगा, ओव्यूल्स। यहाँ पे सिंगल ओव्यूल की पिक्चर है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स ओवरी में एक भी हो सकता है, उनके एग्जांपल हैं वीट, राइस, मैंगो, हाँ पेरी मैंगो, ये एग्जांपल है जहां पे सिंगल ओव्यूल होता है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे आपने पपीते में देखा होगा कितने सारे सीड्स होते हैं, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। अब जो मेगास्पोरेंजियम है, जो ओव्यूल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। यहाँ पे एक डायग्रामेटिक व्यू है ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो आपने इसमें देखा कि जो ओव्यूल है वो स्मॉल स्ट्रक्चर है जो अटैच होता है प्लेसेंटा पे बाई मीन्स ऑफ अ स्टॉक, और इस स्टॉक को बोलते हैं फ्यूनिकल। ये जो आपको दिख रहा है ये फ्यूनिकल, इससे प्लेसेंटा पे अटैच होता है ओव्यूल। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन ऑफ ये हीलियम। ये देख रहा, यहाँ पे फ्यूज हो रहा है ये स्टॉक। अब हीलियम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल हैज वन और मोर प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। ये देख रहे हो आप, दो दिख रहे हैं आपको। इंटीग्यूमेंट्स एनसर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप। ये देख रहे हो, टिप पे नहीं एनसर्कल किया हुआ है। वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल, ये स्मॉल ओपनिंग कहलाएगी माइक्रोपाइल। अब अपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड
इज कैलेजियल पोल या कैलेजियल एंड, जो बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल रिप्रेजेंट करता है. एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स, यहाँ पर मास ऑफ सेल्स कॉल्ड म्यूसिलस. सेल्स ऑफ द म्यूसिलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स, इनके अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल रिजर्व रहता है. लोकेटेड इन द म्यूसिलस इज द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक का क्लियर डायग्राम इसमें नहीं दिया, अभी आगे दिया है वो मैं आपको सिखाऊंगी. एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore through reduction division, which is also known as meiosis. मतलब जो embryo sac है वो कैसे बन रहा है, वो बन रहा है megaspore से reduction division के जरिए. अब यहाँ पर ये एनक्लोज विद इन द इंग्यूमेंट मास ऑफ सेल्स मैंने अभी न्यूसिलस दिखाया था, और न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियो सैक है जिसको फीमेल गैमेटोफाइट भी कह रहे हैं. हर एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक, जनरली ऐसा होता है. और ये कहाँ से मिलके बना है, मेगास्पोर से रिडक्शन डिविजन की मदद से. तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. और ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएटेड अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइल रीजन. यहाँ पे आप देखो ये माइक्रोपाइल रीजन है, ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये ओव्यूल में डिवीजन होगा, डायड्स बनेंगे, दो मेगास्पोर्स बनेंगे, फिर ये चार बनेंगे, टेट्राड्स बनेंगे, ठीक. तो इसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन से दो मेगा स्पोर्स बनी जो डायड कंडीशन कहलाएगी, फिर उससे चार बन जाएंगे. तो मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फोर मेगा स्पोर्स. तो जो एमएमसी है वो ही मियोसिस से चार मेगा स्पोर्स बना रही है. फीमेल गैमेटोफाइट में अगर हम देखें, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, ये जो चार बने हैं इनमें से एक फंक्शनल होता है और दूसरे तीन डीजनरेट हो जाते हैं, और फंक्शनल मेगास्पोर ही डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक में या फीमेल गैमेटोफाइट में. अब द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. अब न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. दो न्यूक्लियाई बन रहे हैं, दो न्यूक्लियाई, ठीक है, विच मूव टू द अपोजिट पोल्स, ये अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, फॉर्मिंग टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक. Two more sequential mitotic nuclear division occurs over here. Now you can see four nucleate state. Then दूसरा division start हो गया और अब आपको दो की जगह चार दिखेंगे, चार nucleate state दिखेगी और फिर ये आठ में convert हो जाएगा. It is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear. What does it mean? इसका मतलब है कि जो nuclear division जिसमें immediately cell wall formation नहीं हो रहा है वो free nuclear division कहला रहा है. यहाँ पे आपको कहीं पे भी wall formation नहीं दिखेगा. जब eight nucleate state develop हो जाएगी तब walls बनेंगी, और यहाँ पे आपको ये एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक दिख रहा है जिसमें आपको यहाँ पे डिफरेंट सेल्स दिख रही हैं, सिनर्जर्स दिख रहे हैं, एंटीपोडियल्स दिख रहे हैं, दो पोलर न्यूक्लियर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं जो सेंट्रल सेल में है. तो सिक्स ऑफ एट न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल. जैसे यहाँ पे तीन आपको यहाँ वॉल्स दिख रही हैं, तीन यहाँ पर, ठीक, और
यहाँ पे जो दो रिमेनिंग न्यूक्लियाई हैं वो कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ये आपको सेंटर में दिखेंगे ऑर्गेनाइज इनटू सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे ये बिलो दी, ये एग एपरेटस, ये सिनर्जिस दिख रहे हैं, ये एंटीसेजियल एंड पर आपको एंटीपोडियल्स दिखेंगे। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सेट, जैसे थ्री आर ग्रुप टूगेदर एट द माइक्रोपाइल एंड, और जब ये तीन माइक्रोपाइल एंड में आपको दिखेंगी, यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे ये माइक्रोपाइल एंड में तीन आपको दिखेंगी, इसको एग एपरेटस बोल रहे हैं। दो तो आपको बहुत क्लियर सेल्स दिख रही हैं जिसको सिनर्जिट्स कहते हैं, और एक पीछे छुपी हुई एग सेल दिख रही है। सिनर्जिट्स जो है वो मदद करती हैं पोलन ग्रेन को कि वो एंटर कर जाए एम्ब्रियो सेक में। तो इनके जो सिनर्जिट्स हैं उन वो स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं एट द माइक्रोपाइल एंड कॉल फिलीफॉर्म एपरेटस। ये दिख रहे हैं आपको, ये फिलीफॉर्म एपरेटस बना रही है। सिनर्जिट्स में जब स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स हो रही हैं उसको फिलीफॉर्म एपरेटस बोल रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट रोल क्या प्ले कर रही है, वो पोलन ट्यूब को गाइड कर रहा है ताकि वो अंदर पेनिट्रेट कर जाए। थ्री सेल्स एट द क्लेजियल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडियल्स। ये जो क्लेजियल एंड में तीन सेल का ग्रुप देख रहे हो ये कहलाएगा एंटीपोडियल्स। एक लार्ज सेंट्रल सेल होगी जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे। सो अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी इज सेवन सेल, क्योंकि एट न्यूक्लियट, मतलब आठ तो न्यूक्लियस हैं लेकिन सेवन सेल है, तीन ये तीन नीचे और एक बीच में। अब दूसरा प्रोसेस है पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल टू द फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो स्पेशल एडेप्टेशन शो करते हैं अलग अलग तरह के पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत नहीं होती, कुछ में होती है। तो दो तरह का पॉलिनेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन। पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्चुअली थ्री टाइप्स। जो ऑटोगेमी है इस टाइप में क्या होता है, जो पॉलिनेशन है वो अचीव होता है विद इन द सेम फ्लावर। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इसमें होता है, एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड द स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगेमी इज रादर रेयर। मतलब नॉर्मल फ्लावर में कंप्लीट ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है वो उस पर गिर जाए और हो भी नहीं सकता अगर ओपन फ्लावर है। लेकिन अगर एक क्लोज फ्लावर है, क्लोज फ्लावर में उसको रिलीज होने की जगह ही नहीं मिलती तो वो बाउंड हो जाते हैं अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरने के लिए। और ऑटोगेमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स सिंक्रोनी। सिंक्रोनी में क्या होता है कि पोलन का रिलीज टाइम और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी की स्टेज दोनों साथ अराइज होनी चाहिए, और एंथर और स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर ताकि सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि रिसेप्टिविटी डेवलप नहीं हुई और पोलन रिलीज हो गए तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। कुछ प्लांट्स जैसे कॉमन पेंसी, वॉयला, ऑक्सिलिस, कॉमेलिना, ये दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, एक तो ओपन फ्लावर एक क्लोज फ्लावर। तो जो कैज्मोगेमस फ्लावर्स वो होते हैं विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, मतलब खुले हुए जैसे होते हैं एक्सपोज एंथर कैज्मोगेमस। क्लेस्टोगेमस वो फ्लावर होते हैं जो ओपन नहीं होते,
इस तरह के फ्लावर्स में एंथर से रिलीज हुए हुए पोलन ग्रेन्स अपने ही स्टिग्मा पे गिरेंगे, तो ये ऑटोगेमस हो गया, ऑटोगेमी हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर पे। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, मतलब सीड बन जाते हैं पॉलिनेटर्स के एब्सेंस में भी, उन्हें जरूरत ही नहीं है, वो तो क्लोज्ड है, उन्हें कहीं रास्ता ही नहीं मिल रहा, वो उसी पे गिरे, उसी पे फर्टिलाइजेशन हुआ, वहीं सीड फॉर्मेशन हो गया। तो ये तो पहली टाइप थी ऑटोगेमी। दूसरी है जेटोनोगेमी। इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब प्लांट दूसरा नहीं है, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर दूसरा है। ऑटोगेमी में वैसा नहीं था, ऑटोगेमी में सेम फ्लावर था, यहाँ दूसरा फ्लावर है लेकिन प्लांट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरी टाइप है जीनोगेमी, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। लेकिन इस वाले केस में जेटोनोगेमी में सेम टाइप के पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं क्योंकि सेम प्लांट में आ रहे हैं, तो जेनेटिकली सिमिलर वो आ रहे हैं, तो वेरिएशंस आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इस टाइप के पॉलिनेशन में जहां पे डिफरेंट प्लांट पे जा रहे हैं पोलन ग्रेन्स, वहां पर वेरिएशन आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, बायोटिक एबायोटिक। एबायोटिक में विंड एंड वाटर, बायोटिक में एनिमल्स। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स बायोटिक एजेंट्स को यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। कुछ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट्स हैं जो विंड और वाटर को यूज करते हैं। तो जहां पर विंड पॉलिनेशन हो रहा है वहां पर लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, ताकि जो लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स है उसको कंपनसेट कर दिया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हवा से उड़ के जो भी पोलन ग्रेन्स गए स्टिग्मा पे ही लैंड होंगे, वो तो इधर उधर भी गिर सकते हैं। तो पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स एबायोटिक पॉलिनेटर्स। विंड पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जो विंड पॉलिनेशन वाले केस में पोलन ग्रेन्स लाइट हो, नॉन स्टिकी हो, ताकि वो इजीली विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएं, और उनके जो स्टेमेंस है ना वो खुले हुए हों, मतलब एयर के करंट के कांटेक्ट में आए, ऐसे क्लोज फ्लावर्स ना हो, ओपन फ्लावर्स हो, और ताकि वो इजीली पोलन ग्रेन्स विंड के कांटेक्ट में आ जाए, और जो उसका जो स्टिग्मा हो वो लार्ज हो, फेदर ही हो, ताकि उसका एरिया बड़ा हो तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स उसके कांटेक्ट में आ जाए। विंड पॉलिनेटिक फ्लावर्स में जो है सिंगल ओव्यूल होता है हर ओवरी में, और बहुत सारे फ्लावर्स पैक होकर एक इनफ्लोरेसेंस बनाते हैं, जैसे ये आप डायग्राम में देख रहे हो, बहुत सारे फ्लावर्स पैक होके इनफ्लोरेसेंस बना रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कॉर्न, कॉर्न कॉब, भुट्टा जो आपने देखा ना भुट्टा, वो द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा। ये देखो ये स्टिग्मा, ये एक्सपोज्ड है ताकि इसको विंड वाले पोलन ग्रेन्स मिल जाएं जो ट्रांसफर होके आ रहे हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर रेयर होता है, हार्डली 30 जेनेरा हैं जिनमें वाटर पॉलिनेशन देखा गया, मोस्टली मोनोकॉट्स हैं। इसके अगेंस्ट में अगर आप देखो तो वाटर एक रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर द मेल गैमीट्स अमंग द लोअर प्लांट्स, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, ये पानी में उगते हैं तो इनको पानी मिलता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इट इज बिलीव पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब पानी की उन्हें जरूरत है अपने अपने आप को जिंदा रखने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, मेल गैमीट के ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो कुछ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, उनके एग्जाम्पल आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे वल्सिनेरिया है, हाइड्रा है,
ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, कुछ सी वाटर में ग्रो करते हैं जैसे जोस्ट्रा। तो सारे एक्वेटिक प्लांट्स वाटर पॉलिनेशन हो ऐसा नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट जैसे वाटर हाइसिंथ है या वाटर लिली है, उसमें फ्लावर पानी के ऊपर आ जाते हैं। अब जब वो पानी के ऊपर आ गए तो वो इंसेक्ट्स के कांटेक्ट में भी आएंगे, वो विंड के कांटेक्ट में भी आएंगे, और वो लैंड के कांटेक्ट में भी आ सकते हैं, मतलब उनके पोलन ग्रेन्स उड़ के लैंड पे आ जाए। सो वल्सिनेरिया में जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर सरफेस पे आ जाता है, उस पर एक बड़ी सी डंडी होती है, वो इतनी ग्रो कर जाती है लॉन्ग स्टॉक कि पानी के ऊपर फूल दिखते हैं। और जो मेल फ्लावर है उसके जो पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं वो पानी की सरफेस पे हो जाते हैं, और वो पैसिवली वाटर करंट के जरिए तैरते तैरते फीमेल पार्ट तक पहुंच जाते हैं। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ ग्रुप में जो वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स हैं जैसे सी ग्रास, जो फीमेल फ्लावर है वो पानी में डूबा हुआ है और पोलन ग्रेन्स भी पानी में ही आ रहे हैं, तो पोलन ग्रेन्स ऐसे फ्लावर्स में उनके पास एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग रिबन लाइक, जिससे वो तैरते तैरते फीमेल पार्ट तक चले जाते हैं, ठीक स्टिग्मा तक चले जाते हैं ताकि पॉलिनेशन हो जाए। सो इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, गीले होने से बच जाते हैं। किसकी मदद से? ये जो लास्ट वर्ड है ना, म्यूसिलेजिनस कवरिंग की मदद से वो गीले होने से बच जाते हैं, ठीक है। सो बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, लेकिन जहां पर एनिमल्स से पॉलिनेशन हो रहा है, इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है, वहां के फ्लावर्स कलरफुल भी होंगे, उनमें खुशबू भी होगी, है ना, और वो अट्रैक्टिव भी होंगे ताकि एनिमल्स उनसे अट्रैक्ट हों। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उनके जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, फ्लाइज हैं, बेटल्स हैं, वास्प हैं, एंट्स हैं, मोथ है, बर्ड्स हैं जैसे सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स एक्सेट्रा, बैट भी। और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कुछ कंट्रीज में बीज को मारना क्राइम है, उन्हें जेल हो जाती है, इतना सख्त कानून है, क्योंकि अगर बीज को मार दिया तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा, और फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा तो उस फ्रूट्स की कमी हो जाएगी। तो जो बैट्स हैं वो भी कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। तो एनिमल्स और इंसेक्ट्स में जो बीज जो है वो डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि बी हमेशा नेक्टर सक करने जाएंगी प्लांट्स पे, इंसेक्ट्स हो सकता है वो नेक्टर सकिंग ना हो। तो इवन लार्ज एनिमल्स जैसे लेमर्स हैं, आर्बोरियल ट्री ड्रेवलिंग हैं, रोडेंट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं जैसे लीजर्ड्स वगैरह, गार्डन लीजर्ड्स, ये भी पॉलिनेटर्स का काम करते हैं कुछ स्पीशीज में, क्योंकि ये ट्रीज पे रहते हैं। तो इनके बाई चांस कोई पोलन ग्रेन इनकी बॉडी से चिपक गया और वही लीजर्ड दूसरे फ्लावर पे गई तो वहां के स्टिग्मा पे वो पोलन ग्रेन चिपक गए। सो ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली एडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल, जैसे वो एडेप्टेड होते हैं। कैसे एडेप्टेड हुए? जैसे कि मैंने बताया कि अगर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है तो फ्लावर्स लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, उनमें खुशबू होनी चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, और अगर फ्लावर्स स्मॉल है तो अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। एक अकेला छोटा फ्लावर कौन देख पाएगा, तो वो ग्रुप में होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बना के होते हैं और विजिबल होते हैं। तो एनिमल्स कैसे अट्रैक्ट होगा फ्लावर की तरफ? उसकी खुशबू से, उसकी फ्रेग्रेंस से, उसके कलर से। तो एक बहुत अजीब सी बात भी देखी गई है, जो फ्लावर पॉलिनेटेड हो रहे हैं फ्लाइज से या बीटल से, वो एक अजीब सी फॉल ऑर्डर सिक्रीट करते हैं टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, तो ताकि एनिमल विजिट हो सके फ्लावर्स के ऊपर, ठीक। तो जो नेक्टर और पोलन ग्रेन्स हैं वो यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं, मतलब नेक्टर हुआ तो पोलन ग्रेन्स
ट्रांसपोर्ट हुए, नेक्टर नहीं तो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर नहीं, क्योंकि वो नेक्टर पीने ही तो इंसेक्ट्स आएंगे, ज्यादातर हनी बीज हैं जैसे कि, तो वो एनिमल्स कब कांटेक्ट में आएंगे, जब एनिमल्स किसी फ्लावर के कांटेक्ट में आ रहा है उसकी स्मेल की वजह से, है ना, तो उसकी बॉडी उसके टच में आ रही है, तो एनिमल्स की जो बॉडी है वो स्टिकी होनी चाहिए ताकि उनके फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उनके बॉडी पे चिपक जाए. सो व्हेन द एनिमल्स कैरिंग पोलन ऑन इट्स बॉडी कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इट ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन. कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें सेफ प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं फ्लावर, जैसे ये जो फ्लावर है टॉलेस्ट फ्लावर है एमोर्फो फैलस, ये जो है ये टॉलेस्ट है, 6 फीट की हाइट पे फ्लावर होता है. तो जो एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं वो वहां पे जाके अंडे देंगे ताकि कोई उनके अंडे को नुकसान नहीं पहुंचा पाए. एक तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हुआ दिखा स्पीशीज ऑफ मोथ में एंड प्लांट योका. यहाँ पे क्या होता है, ये लास्ट लाइन है, ये अंडरलाइन कर लीजिए. यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों प्लांट्स एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल, ये प्लांट और ये इंसेक्ट एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि मोथ अपने एग्स को डिपॉजिट करता है वो जो कैविटी होती है ना ओवरी में उसके अंदर, और फ्लावर जो है उस वो अपने पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर ट्रांसफर करता है मोथ के जरिए. तो जो लार्वी ऑफ द मोथ है वो दे कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग. जैसे ही सीड डेवलप, क्योंकि ओवरी में क्या है, ओवरी में ओव्यूल है, ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होगा, सीड्स में, तो सीड्स के अंदर लार्वी चले जाते हैं क्योंकि उसने एग्स उसी में दिए, तो इधर सीड बन रहा है और उधर उसके लार्वी बाहर निकल रहे हैं. अगर सीड नहीं जर्मिनेट करेगा तो लार्वी बाहर नहीं आएंगे, मतलब मोथ अपने अंडे ओवरी के अंदर दे रहा है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी, ओव्यूल सीड्स में, तो सीड्स में बंद हो गए उसके अंडे, वहां पे लार्वी में कन्वर्ट हो गए और मोथ अपने साथ पोलन ग्रेन्स भी ले गया, तभी वहां फर्टिलाइजेशन हुआ, तभी वहां सीड्स बने. तो इसी तरह से अगर आप ये जो ओवर ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं ये मैं आपको दूसरी क्लास में बताऊंगी, ठीक है. तो ये आप वीडियो देखें अगर कोई प्रॉब्लम हो, और जो नोट्स हैं मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी.